हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुर नूडल्स। ये नॉर्मल नूडल्स से काफ़ी डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हम राइस नूडल्स का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम काफ़ी सारे इंडियन स्पाइसेस का यूज़ करते हैं जो कि इसे काफ़ी यूनिक सा फ्लेवर एंड टेस्ट देता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सिंगापुर नूडल्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे राइस नूडल्स, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। फिर हम लेंगे 100 ग्राम चिकन, ये बोनलेस चिकन है जिनको छोटे पीसेस में काटा गया है। फिर हम लेंगे एक अंडा, इसे मैंने तोड़ के पहले से ही बोल में ले लिया है। फिर हम लेंगे 100 ग्राम श्रिम्प, इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसके वेन्स को रिमूव कर लिया था। अब सब्जियों में यहाँ पे मैंने लिया है एक शिमला मिर्च, ये एक शिमला मिर्च को मैंने पतले स्लाइसेस में काटा था। फिर हम लेंगे बीन स्प्राउट्स, यहाँ पे मैंने मूंग को भिगो कर उसके अंकुर को निकाल कर रखा है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक हरे मिर्च जिसे मैंने रफली चॉप किया है। और अब हम ले रहे हैं स्प्रिंग अनियंस यानी कि हरी प्याज, इसको मैंने 1/2 कप लिया है। और फिर हम लेंगे एक रेड अनियन और इसे मैंने अच्छे से स्लाइसेस में काट लिया था। मसाला पेस्ट के लिए हम लेंगे मद्रास करी पाउडर 2 टीस्पून। अगर आपको ये ना मिले तो आप किचन किंग मसाले का यूज़ कर सकते हैं, इसका भी टेस्ट काफ़ी सिमिलर सा होता है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें। और फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून, मैंने यहाँ डार्क सोया सॉस यूज़ किया है, आप यहाँ पे लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम थोड़ा सा पानी इसमें मिलाकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बोल में खौलता हुआ पानी, यानी कि जैसे ही पानी में बॉयल आया मैंने इसे ऑफ कर दिया था। और हम इसमें डालेंगे हमारे राइस नूडल और इसे हमें 10 मिनट के लिए सोक करना है। आपको ध्यान रखना है कि राइस नूडल को पकाना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाता है। तो 10 मिनट बाद हमारे नूडल्स सॉफ़्ट हो चुके हैं, आपको इसे पूरा सॉफ़्ट नहीं करना है, 90% जितना ही सॉफ़्ट करना है। और फिर इनके पानी को हम निकाल लेंगे। अब नूडल को आप फैला लें और इसे ठंडा होने दें अच्छे से। अब यहाँ पे एक सॉस पैन में मैंने लिया है 400 ml पानी, इसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक और इस पानी में हमें एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही उबाल आ जाए हम इसमें अपने चिकन के पीसेस डालकर चिकन के पीसेस को हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन पीसेस भी पक चुके हैं। अब इन चिकन पीसेस को आप अच्छे से निकाल लें और आपको पानी को अच्छे से ड्रेन कर लेना है, यानी कि हमें सिर्फ चिकन पीसेस चाहिए, उसके साथ पानी नहीं। चिकन पीसेस निकालने के बाद इसी पानी में हम अब अपने श्रिम्प को भी डाल देंगे। तो श्रिम्प डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट पकाना है क्योंकि श्रिम्प जल्दी पक जाता है। जैसे इसका कलर चेंज हो जाए यानी कि ये पिंकिश या ऑरेंजिश कलर का हो जाए, इसे हम निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून तेल और इस तेल को हम अच्छे से, जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए मैं इसमें डालूंगी हमारी सारी सब्जियाँ। आपको यहाँ पे सब्जियों को थोड़ा सा बचा लेना है ताकि हम इसे बाद में यूज़ कर सके गार्निश के लिए। मैंने यहाँ पे स्प्राउट्स और स्प्रिंग अनियन को बचा लिया था। और अब हम इन सब्जियों को हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। आपको हाई फ्लेम रखना है यानी कि इसका फ्लेम काफ़ी तेज़ होना चाहिए और पैन गर्म होना चाहिए। सब्जियाँ भुन चुकी हैं, अब हम इसे साइड कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, 1 टीस्पून जितना। अब तेल गर्म हो जाए वैसे ही हम इसमें डाल देंगे हमारे अंडे और अंडे को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। आप यहाँ पे वोक का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लेकिन नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है। वोक में आपको काफ़ी गर्म टेम्परेचर मिलेगा और फटाफट से आप बना सकेंगे। तो हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, इसे भी आप एक साइड में कर दें। अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा तेल लेंगे, तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे अपने चिकन के पीसेस जिसे हमने पहले पकाया था।
अब इसे हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आपको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने सारी सब्जियों को पहले ही पकाया था और फिर हम चिकन को भी अब पका रहे हैं। फिर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें अपने पके हुए श्रिम्प भी डाल देंगे और श्रिम्प को भी आपको हल्का सा भुनना है, लेकिन श्रिम्प को आप सारी सब्जियों के साथ मिलाकर फ्राई करें क्योंकि अगर श्रिम्प ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और ये काफ़ी हार्ड एंड रबरी हो जाएगा। तो अब हमारे सारे सब्जियां और श्रिम्प अच्छे से भुन चुके हैं। आप चाहे तो इसे बीच बीच में टॉस भी कर सकते हैं। अब आप फ्लेम को लो कर दें। अब हम इसे लो फ्लेम में ही पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं हमारी सब्जियां भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रखें, सोया सॉस में भी नमक होता है और हमने पहले भी यूज़ किया था नमक। और इन सबको नमक के साथ हम अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। आपको अब ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि सब कुछ अच्छे से भुन चुका है। तो अब सब कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें हमारा मसाले वाला पेस्ट डालेंगे। और अब आप फ्लेम को हाई कर दें और मसाले के पेस्ट को थोड़ा सा मिला लें। और ये पानी आपका थोड़ा सा रहना चाहिए मसाले का, तभी आप इसमें डालें नूडल्स। अगर मसाला ड्राई हो गया तो फिर ये नूडल्स के साथ अच्छे से नहीं मिलेगा और टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, इसीलिए आप जब पेस्ट गीला रहे तभी डाल दें। और नूडल को आप अच्छे से मिक्स कर ले। मैंने यहाँ पे किचन टोंग्स और फोक का भी यूज़ किया है। आप चाहे तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं या 2 फोक का भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मिक्स होता है। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें तो हमारा नूडल रेडी है। इसको मैंने गार्निश किया स्प्रिंग अनियंस के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम एक जल्द ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।